कानूनी नॉलेज है। पिछले लेक्चर में हमने कोर्ट के बारे में सब कुछ जाना, न्यूटन्स ऑफ मोशंस को भी हमने देख लिया, ठीक है। न्यूटन्स ऑफ मोशन में हमने पर्सनों में ये देखा कि कोर्ट कहाँ, क्या देखा पर्सनों में हमने कि कोर्ट कहाँ है, ठीक है। अब जो रुपये हमने सेकंड लॉ में ये देखा कि फोर्स कितना है, सेकंड लॉ में हमने क्या देखा कि फोर्स कितना है, और थर्ड लॉ में हमने क्या देखा कि फोर्स लग गया तो क्या होगा, थर्ड लॉ में हमने क्या देखा फोर्स लग गया तो क्या होगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज रह गई कि एक क्वेश्चन है कि फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्वेश्चन है मेरा कि फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि अगर कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग रिजोल्यूशन में और रिजल्टेंट निकालने में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं छुट्टी की बात करें डायरेक्शन, अगर इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करूं, इसके भी मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन की बात करूं, क्या मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं सिंपली ये इस चीज को लेता हूं, अभी सपोज मेरा फोर्स यहां पर, मैंने क्या किया इस फोर्स को मैंने थीटा टू एंगल से शिफ्ट कर दिया, कितना एंगल से थीटा टू एंगल से शिफ्ट कर दिया, तो मेरा एक्स एक्सिस वही कर जाएगा, ये मेरा कहीं एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा कहीं वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं हर पॉइंट पे फोर्स को क्या कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, और एक्सिस क्या हो सकती है, बदल सकती है। पर कॉम्पोनेंट्स कितने रहेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, मतलब दो, और थ्री डी में जेड हो जाएगा, कितने कॉम्पोनेंट रहेंगे, तीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चाहे मैं टू डी में देखूँ या थ्री डी में देखूँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स की बात हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि सपोज ये एक सर्कल है, मैंने इसको एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने डिस्क बना दी, क्या बना दी, डिस्क, इसको मैंने नाम दे दिया डिस्क। अब सर्कल में और डिस्क में क्या डिफरेंस है, सर्कल में और डिफरेंस, सर्कल में और डिस्क में डिफरेंस क्या होगा, बेसिक डिफरेंस, एकदम बेसिक, क्योंकि अगर ये चीज पता चल जाएगी तो हमारा एनालिसिस जो है वो और आसान हो जाएगा। सर्कल क्या है, डिस्क क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या चीज है, थिकनेस का, डिस्क के पास क्या होगी, थिकनेस होगी, ये एक रैंडम सर्कल, ठीक है, इसके पास मटेरियल है, कहीं ना कहीं थिकनेस होगी, और थिकनेस जब भी होगी बॉडी क्या होगी, थ्री डायमेंशनल, सर्कल क्या हो गया, टू डायमेंशनल, ठीक है। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। तो जब हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम नया टॉपिक चालू करते हैं, फोर्स
सिस्टम, क्या क्या चालू कर रहे हैं, फोर्स सिस्टम। अब इसमें फोर्स सिस्टम में क्या क्या चीज कर रहे हैं, यहां भी वही कंपोनेंट वही चीज, एक होता है डायमेंशनल। अब फोर्स सिस्टम की बात करना तो एक होता है थ्री डायमेंशनल, क्या क्या है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। सपोज कोई भी एक की बॉडी, मैं इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। सो इन सबको हम क्या बोलेंगे, फोर्स सिस्टम, क्या बोलेंगे, फोर्स सिस्टम। अब 2D और 3D फोर्स सिस्टम की बात करता हूं मैं। सपोज ये एक रॉक है, क्या है, रॉक है, मैंने क्रॉस सेक्शनली रॉक को क्या किया, काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया। तो वो जो पैरेलल सेक्शन है, जो मैंने रॉक को काटा है, जिस एक्सिस से काटा है, अगर मैं उसका फ्रंट व्यू देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, प्लेन। तो प्लेन क्या हो गया, 2D, और रॉक की अगर मैं बात करूं तो उसके कहीं ना कहीं तीन एक्सिस हो जाएंगे, तो क्या हो गया, 3D, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2D फोर्स सिस्टम को लेता है, ठीक है, कोप लेता है फोर्स सिस्टम। और सेकंड थिंग, इन्हीं की बात करूं तो नॉन कोप लेता है, नॉन कोप लेता है फोर्स सिस्टम। इसमें कौन कौन से फोर्स हैं, पहला है पैरेलल फोर्स सिस्टम, दूसरा यहां पर आता है कंकरेंट फोर्स सिस्टम, तीसरा यहां पर आता है नाइदर होगा, ठीक है। अब यही मैंने फोर्स अप्लाई किए,
इस पॉइंट पर ए, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया बी, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया सी पॉइंट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। ये फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है देखो वो कैसा है, पैरेलल है। ये क्या होता है पैरेलल और एक ही प्लेन में, प्लेन कैसा है सेम, तो प्लेन सेम हो गया, क्या हो गया दो प्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दो प्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसके बाद आता है हमारा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, क्या है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में इसके लिए अब मैंने क्या किया, एक फोर्स यहां से जा रहा है, एक फोर्स लगा है यहां से इस पॉइंट से, ठीक है। एक फोर्स मैंने लगा दिया यहां से इस पॉइंट से, एक फोर्स मैंने लगाया से इस पॉइंट पर, और एक फोर्स नहीं मैंने यहाँ लगाया, तो अलग 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 फोर्सेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ। तो क्या ये पैरेलल है,
नहीं, पैरेलल नहीं है, ठीक है। और क्या ये कंकरेंट है? पर ये जब तीनों फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तब तो ये एक पॉइंट नहीं बना रहे। तो जब ये तीनों प्रूफ में से एक पॉइंट नहीं बना रहे तो कंकरेंट भी नहीं होगा। तो क्या ये फोर्स पैरेलल और कंकरेंट है? नहीं। तो ये तो हमारा तीसरा गेट। तो याद रखना, जब भी दो फोर्स मिलेंगे वो कंकरेंट तो होंगे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे केस पे। चौथा केस क्या है हमारा? कोलिनियर, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। क्या है? कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम।
सी पॉइंट से क्या नाम करता है सी पॉइंट, ठीक है। अब इनका लाइन ऑफ कंसर्न देखते हैं, क्या देखते हैं इनका लाइन ऑफ कंसर्न। ये चीज कैसे हो जाएगी, अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्करेंट हो जाएगी,
ये एक पॉइंट पे मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर एक पॉइंट को फोर्स मिलेगा, पर फोर्स जब मैंने थर्ड फोर्स की डायरेक्शन ना दे दी तो क्या ये मिलेगा? नहीं। क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा? नहीं। तो ये क्या हो गया? पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल है, पैरेलल की पोजीशन को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं। और कॉन्करेंट है? नहीं। तो ये कैसा चेंज हो गया? सेमी प्लेन पे है? नहीं। तो कैसा हो गया? नॉन कोप्लेनर, नाइदर पैरेलल नॉट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब फोर्स जो मैंने बोला था वो क्यों अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे? बोलने में भी कंडीशन को नहीं अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। कहाँ अप्लाई करके कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।